जब तेरी जान नहीं ले पाए तब तुझ पे इल्जाम लगा के तुझे जेल में डाल दिया। पैदा किया है मैंने तुझे, तुझ पर हक बनता है, तुझे ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। अगर तू यहाँ रहेगी ना, फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। तू जाएगी उस अभी के पास, उसके करीब, उनके परिवार के पास, उस घर में जो तेरा है। फिर से वो लोग तुझे मारना चाहिए, फिर से वही सब। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। रिश्ता ही नहीं, रिश्ता मर चुका है। तू मरे, इससे अच्छा तो है कि रिश्ता ही मर जाए। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो भूल गए ना सब कुछ। मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे याद है कि मैं अब भी उनकी पत्नी हूँ। उनके नाम का कुमकुम लगाती हूँ मैं अपनी मांग में हर रोज। और आप ऐसे कैसे कर सकती? ऐसे कैसे सब कुछ भूल जाऊँ मैं? आपने कहा था ना कि जिसके साथ मेरा भाग्य जुड़ा है, उसके नाम का कुमकुम मेरी मांग में लगा है, उसका साथ मुझे जिंदगी भर देना है। तो मैं ऐसे कैसे उनका साथ छोड़ दूँ? आप कैसे भूल गई? मेरे सुहाग को बचाने के लिए आप अपनी जान खतरे में देने को तैयार? आज आप मुझसे कह रही मैं सब कुछ भूल जाऊं? आपने तो मुझे सुहाग के लिए लड़ना सिखाया माँ, मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं उन्हें? आपको मेरे लिए डर लग रहा है ना माँ? मुझे उनके लिए डर लगता है, क्योंकि उस घर में मुझसे ज्यादा उनके दुश्मन है, जो उन्हें अपनों की शक्ल में उन्हें ही धोखा दे रहे हैं। माँ आप मुझे बोलिए सब कुछ भूल जाऊं। आप बोलिए मुझे मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे उन सबके बीच उन्हें अकेला छोड़कर चली जाऊं? मैं कह रही हूँ तुझे, सब भूल जा, सब भूल जा, सब कुछ भूल जा, कुछ भूल जा। सब गलत सिखाया है मैंने तुझे, बचपन से लेकर अब तक सब गलत सिखाया है तुझे। गलत सीख दी है मैंने कि तू अच्छी बन के रहे, सबके साथ अच्छा अच्छा ही कर, बढ़ोगी। सब गलत सिखाया है मैंने तुझे। मेरे गलत सिखाने के कारण ही आज तू इस हालत में है। सब गलत सिखाया मैंने, सब गलत सिखाया है, सब मेरी वजह से। और नहीं मैं, आप नहीं करती। आप तो आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, पता नहीं आज क्यों गलत रास्ता दिखा रही है। यही सही है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने तुझे सिखाया ना, वो सिर्फ तेरे लिए था, लेकिन जो रास्ता मैं तुझे अब चुनने को कह रही हूँ, वो मेरे लिए, क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती बेटा। कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुझे ठीक होना होगा। जब तू यहाँ से दूर चली जाएगी ना, तब हो जाएगी तू ठीक। तुझे फैसला लेना होगा प्रज्ञा, तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा। एक को चुनना होगा मतलब? एक तरफ तेरा पति है, और एक तरफ तेरी माँ। तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा। ये निखिल फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुझे प्रज्ञा का काम खत्म किया या नहीं? कहाँ मर गए यार ये दोनों? अंदर डुएट सॉन्ग गा रहे हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए। तुम्हें कोई अंदाजा है? नहीं। हाँ डार्लिंग, तुमने प्रज्ञा को मारा या नहीं अब तक? डार्लिंग, प्रज्ञा के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। वो दोनों अंदर खाना खा रहे हैं, इसलिए हम बाहर खड़े वेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों आने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो। और जैसे दोनों बाहर आएंगे, उसके बाद मैं प्रज्ञा और अभी दोनों को खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि दोनों को? क्या बोल दिया तनु? मैंने तुम्हें प्रज्ञा को मारने के लिए कहा था, अभी के बारे में सोचना भी मत। सोच तो मैंने बहुत पहले से रखा था, मगर मौका नहीं मिल रहा था, और मेरी सोच पे मत जाना। रही बात प्रज्ञा की, तो प्रज्ञा तुम्हारी दुश्मन है तो अभी मेरा दुश्मन है। तुम्हें प्रज्ञा को मारना है, अपने रास्ते से हटाना है, तो मुझे अभी को अपने रास्ते से हटाना है, तो क्या बुरी बात है? तुम नहीं जानती इस अभी की वजह से मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ, इंडस्ट्री में से ब्लैकलिस्ट हो गया हूँ मैं। तो अब इस अभी की बारी है, इस दुनिया से ब्लैकलिस्ट होने की।
देखो मैंने तुम्हें कहा था कि प्रज्ञा को मारना है, अभी की तरफ आंख उठा के भी दिखाना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। डार्लिंग, तुम्हारा काम तो हो रहा है तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी में, इनफैक्ट मैं अपनी निजी जिंदगी में क्या करता हूँ उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ओके टाटा बाय। हेलो हेलो डिंग। हेलो भाई साहब, क्यों पीट रहा है दरवाजा? वो मैं एक्चुअली कब से नॉक करो लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोला। कोई घर में नहीं होगा? नहीं, वो मुझे वो मैं वो क्या वो मैंने किसी की चीखने की आवाज सुनी, किसी लेडी की। लेडी? शायद सरला आंटी की आवाज थी। सरला जी, कहीं गिर तो नहीं गई वो? हो सकता है, या फिर कोई चोर भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, मतलब वो अंदर घुसा होगा, उसने सबको बांध दिया। जेम्स बॉन्ड बन रहे हो, खुलने में मेरी मदद करो ना, आ जाओ यार। अरे यार सब एक सिम पे चढ़ेंगे। सरला आंटी, सरला जी, सरला जी, निकिता, सरला जी, निकिता, सरला आंटी, निकिता, यहाँ तो कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो चीखने की आवाज किसकी सुनी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे यार, अगर हमको ऐसे कोई देख लेगा कि हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं, हमको तो चोर समझ के पीट देंगे यार। अरे यार, तुम सुन रहे हो? चलो यार, यहाँ से निकलो। निकिता, मैं तो जा रहा हूँ। सरला आंटी, हेलो। हेलो दी, दी आप कहाँ हो? घर पे कोई नहीं है? मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, पूरा मुंबई छोड़कर जा रही हूँ। क्या मुंबई छोड़ के जा रहे हो आप दीदी? लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, माँ, बीजी, हम सब जा रहे हैं, क्योंकि यही सही है पूरा। हमारा रिश्ता तो दूर, उन्हें मेरा नाम तक याद नहीं, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। और फिर आलिया और तनु भी यही चाहते हैं कि मैं उनसे दूर मैं चली जाऊंगी, यही सबके लिए ठीक रहेगा। दी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अभी को कुछ याद नहीं है, लेकिन उसको आपकी बहुत फिक्र है, इतनी की जितनी आप सोच भी नहीं सकते। दी अभी आपकी बहुत केयर करता है, और दी आप प्लीज समझने की कोशिश करो। अब इन सब बातों का कोई फायदा ही नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ। निकिता, हेलो, क्या हुआ? अभी तू निकिता को लेने गया था ना, तो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, कहाँ है तू? दादी, जब तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसकी फैमिली उसे वहां से घर ले गई थी। और दादी, अब मैं घर पर ही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। दादी, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, और कबर्ड में कपड़े भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग कहीं चले गए। दादी, अरे चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं? कहाँ चले गए वो? तू रोक ना उसे, उन्हें जाने मत देना, कहीं नहीं जा सकते वो। मेरी बात समझ में आई है ना तेरी? अरे वो हमारे घर का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? तू समझ गया ना मेरी बात? उसके बिना सब अधूरा है बेटा, सब कुछ अधूरा है, ये घर अधूरा है, ये परिवार अधूरा है। किस हक से मुझे यहाँ से वापस ले जा रहे? उसी हक से जिस हक से तुम मेरी जिंदगी में आए और उसे अपना बना दिया। तो जो कल नहीं कर पाया वो आज कर रहा हूँ। प्लीज आप कोई इमोशनल कहानी मत बताना, सीन को यहीं पर खत्म कर देना। प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और वादा भी करता हूँ कि जिसने किया है ना उसे छोड़ूंगा नहीं।